1987 में तैयार किए गए मिली नगमे दिल दिल पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान का दूसरा कौमी तराना कहा जाए तो गलत ना होगा। ये नगमा नहीं दिल की बात जो हर पाकिस्तानी के दिलों में बस गई। यही वजह है कि इतने बरसों बाद भी लोग इस नगमे को ऐसे ही सुनते और गुनगुनाते नजर आते हैं। इस गीत की मकबूलियत की एक बड़ी वजह ये भी है कि मीडिया ने इसे कभी भूलने नहीं दिया और कौमी और निजी सतह पर हर इवेंट के लिए दिल दिल पाकिस्तान लाजमी जुज बन गया। वाइट साइंस बैंड का वजूद 1986 में अमल में आया जब जुनेद जमशेद मरहूम, नुसरत हुसैन, शहजाद हसन, रोहेल हयात शौकिया तर्ज पर मौसीकी कर रहे थे। उस वक्त जुनेद जमशेद बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ नहीं थे। रोहेल हयात, नुसरत हुसैन और शहजाद हसन के ग्रुप का वोकलिस्ट बैंड छोड़ गया और उन्होंने मुतबादिल की तलाश शुरू कर दी। ताहम इस्लामाबाद में ही उनकी मुलाकात उस वक्त के उभरते हुए गुलकार जुनेद जमशेद से हुई जो खुद भी किसी बैंड का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद थे। ताहम चारों मिले और वाइटर साइंस नामी बैंड की तश्कील अमल में आई। इस दौर में पॉप म्यूजिक आम हो रहा था। नाजिया हसन और जुहेब हसन ने सबको अपना गर्विदा बना रखा था। ट्रेंड की मुनासबत से ही अंग्रेजी तर्ज पर दिल दिल पाकिस्तान की धुन तैयार की गई जो कि खासी पसंद की गई। दिल दिल पाकिस्तान गीत की धुन इस्ताही मुखड़ा अरेंजमेंट और वीडियो बनाने का सेहरा मुल्क के नामवर डायरेक्टर शुएब मंसूर के सर जाता है जबकि शायरी निसार नासिक की थी। नगमे के बोल इंतहाई सादा जिस तरह ये मिसरा लिखने और पढ़ने में आसानी से याद हो जाता है। गीत की सादा सी वीडियो में चार खूबरू नौजवान परफॉर्म करते नजर आते हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर पीटीवी पर मिली तरानों का एक मुकाबला करवाया जा रहा था जिसमें नौजवान गुलकारों को ये हदफ दिया गया कि वो अपने बैंड के साथ तराना तैयार करें। शुएब मंसूर ने रावलपिंडी में वहाँ के मशहूर अंडरग्राउंड बैंड वाइटर साइंस ग्रुप से राब्ता किया और उन्हें गीत और धुन के मुतालिक बताया। चंद दिन रिहर्सल के बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई। ऑडियो तैयार हो गई तो इस्लामाबाद में शकरपड़िया गोल्फ क्लब और चारे दस्तूर पर उसकी वीडियो शूट कर ली गई। ये गीत 14 अगस्त के मौके पर ही पेश किया गया था। वाइटर साइंस की मकबूलियत के बाद पाकिस्तान में पॉप बैंड्स का जैसे सैलाब सा आ गया हो मजीद कई नौजवानों ने गुलकारी का आगाज किया और यूं पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक ने बाकायदा इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर ली। दिल दिल पाकिस्तान की गैर मामूली मकबूलियत की बड़ी वजह तो उसकी सादा और दिल में उतर जाने वाली मेलोडी के अलावा उसकी गैर मामूली प्रमोशन भी है जिसके बाइस आज भी दिल दिल पाकिस्तान लोगों की जबान पर है। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। शुक्रिया।